हेलो दोस्तों, अगर आप किसी भी तरह के डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम से छुटकारा पाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। मैं इस वीडियो में एक ऐसे तरीके के बारे में बताऊंगा जिसे अगर आप डेली लाइफ में इंक्लूड करते हैं तो आप डाइजेशन की प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। मैक्सिमम लोग डाइजेशन की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। मैं इस वीडियो में एक ऐसे नुस्खे के बारे में बताऊंगा जिसका असर 2 या 3 दिन में ही आ जाता है, हफ्तों तक इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ती है। डॉक्टरों की राय के अनुसार 90% से भी ज्यादा प्रॉब्लम पेट की गड़बड़ी से होती है। अगर किसी का डाइजेशन खराब है तो वह कभी भी वेट गेन नहीं कर सकता। घबराइए नहीं, आइए जानते हैं इसे कैसे ठीक करना है। मैं आपको 5 ऐसे घरेलू नुस्खे के बारे में बताऊंगा जिसे अगर आप अपनाते हैं तो डाइजेशन को बिल्कुल ही ठीक कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है अदरक। अदरक का एक छोटा टुकड़ा ले उसे धीरे धीरे चबा कर खा लें। अदरक एक बहुत ही अच्छा घरेलू उपाय है डाइजेशन को ठीक करने। इसमें 2 टाइप्स के केमिकल पाए जाते हैं, जिंजर ऑल्स एंड सॉ ऑल्स। ये केमिकल्स पेट में कॉन्ट्रेक्शन को बढ़ा देते हैं जिससे डाइजेशन जल्दी हो जाता है। दूसरा है हींग वाटर। एक गर्म पानी में 2 या 3 चुटकी हींग डालकर पिए काफी आराम मिलेगा। सबसे पहले आधा चम्मच जीरा लें और उसे 250 ml पानी में डालकर अच्छी तरह से उबाल कर आधा कर लें और इसे छान कर पी लें। जीरा हमारे लीवर में बनने वाले बाइल जूस को इंक्रीज करता है जिससे डाइजेशन जल्दी हो जाता है। चौथा है दालचीनी। 1 चम्मच दालचीनी पाउडर या उसका एक टुकड़ा लेकर 1 गिलास गर्म पानी में डालकर उसे पी लें। दालचीनी में कई तरीके के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक में हुए डैमेज को फिक्स करते हैं और डाइजेशन को भी इम्प्रूव करते हैं। 5वां है एलोवेरा जूस। एलोवेरा जूस डाइजेशन को फिक्स करने का सबसे असरदार उपाय है। अगर आप इनडाइजेशन से परेशान हैं तो एलोवेरा जूस बहुत ही अच्छा सोर्स है। एलोवेरा स्टोमच में बनने वाले एसिड को रिड्यूस करता है और साथ ही डाइजेस्टिव बैक्टीरिया को भी बढ़ाता है। 6 डाइजेशन के लिए क्या ना करें। अपने फूड को स्किप ना करें। अगर आप अपने फूड को स्किप करते हैं तो मेटाबॉलिक रेट घट जाता है और डाइजेशन अच्छे से नहीं हो पाता है। खाने के तुरंत बाद पानी न पिएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो डाइजेस्टिव जूस डाइल्यूट हो जाते हैं और डाइजेशन नहीं हो पाता है। खाना खाने के लगभग आधे घंटे पहले या 1 घंटे बाद पानी पिएं। बहुत ही ज्यादा मसालेदार और तेल वाली चीजों का सेवन न करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।